बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ, टोयोटा लैंड क्रूजर 1996 मॉडल, जो कि आप लोगों को 80 सीरीज़ VX लिमिटेड आपको गाड़ी मिलती है। 1FZ पेट्रोल आपको 45 CC इंजन मिलता है। अब जाते हैं इसकी डिटेल वाइज रिव्यू की जाने, वो देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। गाड़ी फॉर सेल है और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इफ्टाबाद की इसकी लोकेशन की गई है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी एंटीक पीस गाड़ी है। और आपको ओनर का नंबर और लोकेशन वगैरह आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगा। काफ़ी परफेक्ट गाड़ी है। अब इसका डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, इसकी फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ इस तरह की आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है। मीडियम में अगर इसके फ्रंट बानेट की बात की जाए तो आपको इसका फ्रंट आपको इसका बानेट काफ़ी बड़ा सा आपको मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको लैंड क्रूजर की आपको बेजिंग भी दी जाती है, जो कि आपको क्रोम कलर के अंदर दी जाती है। फ्रंट अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं, डे टाइम रनिंग रिंग लाइट्स आपको मिलती हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं और ग्लासेस में आपको फ्रंट लाइट्स, लाइट्स के चारों जाने में आपको एल्यूमिनियम की ट्रिमिंग और मीडियम लाइट आपको ग्लासेस में मिलती है। नीचे अगर बात की जाए इसकी इंडिकेटर्स की तो वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्लासेस हमारे इसके इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं। फ्रंट अगर इसकी ग्रिल की बात की जाए तो आपको पूरी फ्रंट ग्रिल आपको क्रोम की मिलती है, ब्रांड न्यू मीडियम में टोयोटा की बेजिंग और पूरी आपको क्रोम की मिलती है और गाड़ी एंटीक पीस गाड़ी है। अच्छा, इसके नीचे आपको इसके एक तो वॉशर्स दिए जाते हैं। फ्रंट के ऊपर आपके इसकी जो फ्रंट बम्पर है आप लोगों को काफ़ी हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट आपको इसका बम्पर मिलता है। मीडियम में आपको इसकी नंबर प्लेट का ऑप्शन, इस्लामाबाद की गाड़ी रजिस्टर्ड है और नीचे इसकी साइडों में आपको स्पेस मिलती है जिसके अंदर आप मतलब ये जस्ट इसके लिए होती है, गाड़ी के अंदर इंजन कूल डाउन करने के लिए आप लोगों को एयर के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। बम्पर की साइड की जाने पर आपको इसके कवर्स भी मिल जाते हैं जो कि फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बात करते हैं जी इसकी फ्रंट स्क्रीन की। इसकी जो स्क्रीन है काफ़ी साफ सुथरी है। साइड में आपको एल्यूमिनियम की ट्रिम है, ऑटो वाइपर, ऊपर आपको इसकी वॉशर दिए जाते हैं। साइड मिरर आपको इसके इलेक्ट्रिक मिलते हैं, आप इन्हें अंदर से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिंडर के ऊपर भी आपको लेफ्ट की जाने पर आपको एक साइड मिरर मिलता है जो कि गाड़ी के फ्रंट और साइड्स के आप लोगों को प्रोफाइल दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसकी राइट साइड की प्रोफाइल की बात की जाए तो पहले इसकी फिंडर की तरफ चले जाते हैं। फिंडर इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। लाइट जो है आपको इसके अंदर वाइड एंगल की आपको लाइट्स मिलती हैं। साइड में एल्यूमिनियम की ट्रिम है। यहाँ पर भी जैसे आपको एक फिंडर के अंदर इंडिकेटर दिया जाता है और इसके फिंडर की साइड में आपको इसकी हार्ड प्लास्टिक की आपको इसकी किट्स भी दी जाती है। बात करते हैं जी विंडोज़ की मीडियम की, तो विंडोज़ की मीडियम में आपको एक तो रबिनुमा गोला मिलता है, नीचे जैसे एक कलर आपको दिया जाता है जो कि फिंडर्स और इसके नीचे की विंडोज़ की साइड्स हैं वो आप लोगों को इस कलर के अंदर दिए जाते हैं। ऊपर का जो कलर वो आप लोगों को ब्लैक मिलता है। यहाँ पर विंडोज़ के पैनल्स भी आपको ब्लैक मिलते हैं और ऊपर आपके इसके आपको सनशाइन भी आपको हार्ड प्लास्टिक की आफ्टर मार्केट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर पाँव रखने के लिए आपको पूरा एक स्टैंड भी मिल जाता है जो कि इसका ओरिजिनल आया एल्यूमिनियम का, और साइड में आपको हार्ड प्लास्टिक के कवर्स भी दिए जाते हैं। बात करते हैं जी इसकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका पहला साइड मिरर दिखा देता हूँ। फिंडर का छोटा सा आपको मिलता है जो कि यहाँ के टायर्स और फ्रंट आपको यहाँ से इसकी प्रोफाइल आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाता है। इसके फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई स्क्रेचेस नहीं है। यहाँ पर इसके साइड मिरर, विंडोज़ के पैनल, विंडोज़ के जो हैंडल्स हैं वो आपको हार्ड प्लास्टिक के दिए जाते हैं। विंडोज़ के मीडियम में रबीना वाला आपको काफ़ी बड़ा सा आपको मिल जाता है। लैंड क्रूजर की बेजिंग मिलती है, नीचे इसका स्टैंड और पूरी इसकी जो फ्रेम है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब चलते हैं जी इसकी बैक साइड की प्रोफाइल की जानिब, तो पहले आप लोगों को मैं इसका बैक साइड के जो फिंडर है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऊपर की जो विंडोज़ हैं वो भी आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनका यहाँ पर ये देखें इसका ऑप्शन भी दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फ्यूल कैपेसिटी आप लोगों को 80 लीटर का आपको फ्यूल स्टोरेज मिलता है। दूसरा यहाँ पर इसकी किट्स देख लें, यहाँ पर इसकी लाइट्स वगैरह, इसके जो ओरिजिनल चिकन मेड्स हैं आप लोगों को इसके अंदर स्टॉल मिल जाते हैं लैंड क्रूजर के, जो कि आप लोगों को जस्ट बैक साइड के ऊपर मिलते हैं और फ्रंट के ऊपर आपको छोटे हाफ इसके चिकन मेड्स जो है आपको मिलते हैं। बात करते हैं जी इसकी बैक साइड की स्क्रीन की, तो इसके एक तो आपको ऑटो वाइपर मिलता है, दूसरे इसकी आपको लाइट्स मिलती हैं। बैक साइड के ऊपर आपको इसका स्पॉइलर मेल मिल जाता है जो कि आपको ग्लासेस में इसका स्पॉइलर मिलता है। बैक एंगल का आपको इसका कैमरा भी मिल जाता है। इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको ब्लैक पेपर स्टाइल मिल जाता है। इसके जो हैंडल्स हैं यहाँ पर आपको टोयोटा की बेजिंग, VS लिमिटेड का आपको बेजिंग मिल जाती है मीडियम में टोयोटा लैंड क्रूजर की, और यहाँ पर आपको 24 वाल का आपको इसका ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, अगर इसकी टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसकी टेल लाइट्स काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो LED इसके अंदर बिग लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पर जी आप लोगों को 4WD फुल टाइम आपको 4x4 आपको गाड़ी मिलती है। फिर बैक साइड की बम्पर के ऊपर आपको एक तो बैक साइड के ऊपर सेंसर भी मिल जाते हैं जो कि ऑटो पाइप इसके पार्किंग के होते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाता है, ऊपर आपको एल्यूमिनियम की ट्रे में, यहाँ पर गाड़ी टो करने के लिए आपको डबल हुक्स मिलती हैं। यहाँ पर आप देख लें, एक तो बम्पर के ऊपर और एक नीचे, एक और आफ्टर मार्केट इसके अंदर जी किट लगा रखी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जी डबल एग्जॉस मिल जाता है, जिसका काफ़ी हाई प्रोफाइल, मतलब एक तो ब्रांडेड आपको इसके अंदर मिलते हैं एग्जॉस, ऊपर इसका साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर इसका एग्जॉस देख लें, यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन क्रोम का आपको एग्जॉस मिलता है। इसके अलावा फ्रेम वाइज कलर देख लें, कहीं पर कोई स्क्रेचेस, कोई डंट वगैरह आपको नहीं मिलता। अब चलते हैं जी गाड़ी के इंटीरियर की जानिब और इसका देखते हैं जी इंटीरियर। अंदर एक तो आपको डबल एयर बैग मिल जाते हैं, दूसरा इसके स्टेयरिंग के ऊपर आपको लेदर की आपको स्टिचिंग दी जाती है। मिडल में टोयोटा की बेजिंग एयर बैग हॉर्न का ऑप्शन दिया जाता है। इसके मिडल में जो है ना पूरा हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड मिल जाता है। मिडल में एसी की विंड्स डबल मिलते हैं, घड़ी आपको मिलती है, एसी एडजस्टमेंट के बटन और एसी के विंड्स कंट्रोल करने के बटन एलईडी आफ्टर मार्केट के अंदर लगा रखी है एंड्रॉयड। इसके अलावा आपको 4x4 आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिलती है और इसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर इसका जो पूरा डैशबोर्ड आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसके एक मिल जाता है स्टैंड सा, जिसे आप पकड़ से बैठ सकते हैं। दूसरा इसके एसी की विंड्स आप देख लें, नीचे आपको छोटा सा बॉक्स मिलता है और पूरा जो इसके अंदर से रूम है वो भी आपको स्क्रैच लेस मिलता है, मतलब कहीं से आप लोगों को कोई स्क्रेचेस नहीं मिलते। यहाँ पर इसकी फ्रेम वाइज बात की जाए तो काफ़ी अंदर से स्पेस वाइज फ्रेम वाइज बिल्कुल सॉफ्ट गाड़ी है। दूसरा जी इसके अंदर जी आफ्टर मार्केट के अंदर ये ऊपर ये विंड्स की भी लगा रखी है इन्होंने जालियाँ सी भी। विंडोज गति की बात की जाए इसके अंदर आपको पावर बटन मिलते हैं, इसके अंदर आपको स्पीकर, ग्लास होल्डर और डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। ये आ गया कुछ इसका, दूर से आप लोगों को इसका रूम दिखा देता हूँ। कुछ इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड का मिलता है। नीचे इसकी ओरिजिनल आपको कारपेट, ओरिजिनल आपको इसके मैट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट, इसके अलावा छोटी सी स्पेस और कुछ इसका इंटीरियर। यहाँ पर जी इसके विंडोज़ की गति की क्वालिटी दिखा देता हूँ। एक तो विंडोज़ के अंदर आपको लाइट्स मिलती हैं, ग्लास होल्डर, आपको काफ़ी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, इसका हैंडल, इसकी रुगजीन, ऊपर आपको इसकी लेदर और मिडल में आपको फ्रंट ऑटो बटन भी मिल जाते हैं। ये आ गया इसका स्पीडोमीटर और स्पीडोमीटर देख लें, इसके अंदर आपको बैटरी की गेज, फ्यूल गेज, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, ऑटोमेटिक गाड़ी की आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, टेम्परेचर और फ्यूल का आपको इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। ये आ गया ऑटोमेटिक गाड़ी, इसके आगे ओरिजिनल मेड्स और ये आगे इसके फ्रंट राइट साइड की आपको विंडोज मिल जाती है। इसके अंदर एक तो लॉक अनलॉक का बटन, पावर बटन आपको फ्रंट ऑटो, 3 मैनुअल बटन, स्पीकर आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटी सी आपको फोमिंग रुगजीन वगैरह दी जाती है और काफ़ी मतलब इसका जो फ्रंट विंडो बिल्कुल परफेक्ट, काफ़ी नीट एंड क्लीन। फ्रंट विंडोज के ऊपर आपको फ्रंटबोर्ड के ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक के कवर्स भी दिए जाते हैं। अगर बात की जाए इसकी बैक साइड की सीट्स की तो आप लोगों को बैक साइड की भी आपको फ्लैट मिलती है, आप 3 बंदे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। 3 बंदों के लिए आप लोगों को सीट बेल्ट भी मिलते हैं, 2 बंदे के लिए आपको हेड रेस्ट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जी स्पेस बैक साइड के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और फैमिली के लिए काफ़ी बेस्ट गाड़ी है। अगर बात की जाए इसकी रूफ़ की तो ये आपको डुअल एसी मिलता है, आप लोगों को डबल इसके अंदर कंप्रेसर वाला एसी मिल जाता है, जो कि बैक साइड के ऊपर आपको एसी के विंड्स काम करते हैं, फ्रंट के ऊपर भी, फ्रंट के ऊपर आपको इसका सनरूफ पावर बटन का आपको मिल जाता है, आपको ऑटो इसका मिलता है सनरूफ। इसके अलावा लाइट्स की ऑप्शन, दूसरे इसके आपको एसी के विंड्स आपको बैक साइड के ऊपर भी मिलते हैं बैक साइड के बंदों के लिए और डुअल एसी आपको इसका मिलता है। दूसरा इसकी बैक साइड की आपको सीट्स भी मिल जाती हैं, अगर आप बैक साइड के ऊपर भी बैठना चाहें तो उनके लिए आपको 2 सीट्स अवेलेबल, उनके लिए सीट बेल्ट भी आप लोगों को ऑप्शन मौजूद है। दूसरा अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप लोग इन्हें फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह अभी ये गाड़ी की सीट जो है फोल्ड हो चुकी हैं तो इसके अंदर आप जितना लगेज रखना चाहें रख सकते हैं। ये मिडम वाली सीट भी आप फोल्ड वगैरह कर सकते हैं और बैक साइड के लिए आप लोगों को इसके एसी के विंड्स, डबल इंडिकेटर्स और दूसरा इसके लाइट, स्पीकर आप लोगों के इसके अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके ये कुछ ऑप्शन, कुछ स्पेस वगैरह आप लोगों को मौजूद मिल जाती है। सीट्स के ऊपर आप लोगों को वाइट कलर के आपको इसके कवर्स भी मिलते हैं। ये आगे इसके टायर्स, ब्रांड न्यू आपको टायर्स मिलते हैं और इनकी जो जो इनका नाम है, यहाँ पर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है और मतलब जो साइज़ वगैरह वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू अलाइज मिलते हैं, टोटा के ओरिजिनल आपको व्हील कप भी मिल जाते हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बिल्कुल आप ये समझ लें कंपनी से निकली हुई गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। इसके अलावा इसका ओरिजिनल जो इस गाड़ी के अंदर जैक आया है वो आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसकी कुछ के टूल किट्स हैं जो कि टोयोटा की ओरिजिनल आई हैं। अब बात करते हैं जी इसके इंजन की, तो 1FZ 45 cc पेट्रोल इंजन आपको मिलता है,
जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन, पहले इसका फ्रेम वाइज बात की जाए तो इसका फ्रेम देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं पर आप लोगों को कोई स्क्रेचेस नहीं मिलता। यहाँ पर इसका फ्रेम, चेसिस नंबर, यहाँ पर आप लोगों को इसके हाइड्रोलिक पंप, इसके अलावा इसके अंदर आपको बड़ी सी आपको बैटरी मिल जाती है, उनके साइड में आपको कवर्स भी मिलते हैं। दूसरा इसका यहाँ पर रेडिएटर, इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आप ब्रांड न्यू समझ लें, फ्रंट पट्टी देख लें, माशाल्लाह आई लाइक इट। अच्छा, नीचे से इसके अगर फ्रेम दिखाया जाए तो नीचे से आप फ्रेम देख लें, जिस तरह गाड़ी आपको फ्रंट के ऊपर से, अंदर इन रूम से, इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर वाइज, इसी तरह आपको गाड़ी नीचे से भी बिल्कुल साफ सुथरी आपको गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट, काफ़ी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन गाड़ी है। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अपने बाइक को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। इसके अलावा अगर आप और किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल आ जाएंगे, और अगर आप नई मॉडल की गाड़ियों का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ऑलरेडी हमारे पास नए मॉडल गाड़ियां अवेलेबल खड़ी हैं, और जिसके अंदर आप लोगों को होंडा सिविक, इसके अलावा आप लोगों को मिल जाती है दूसरा एक्सएलआई जीएलआई 2019 और मेरे ख्याल से 21 मॉडल, और टोयोटा पासो गाड़ी 2022 मॉडल, और डिफरेंट गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं रिव्यू तो इंशाल्लाह जल्दी उन गाड़ियों का भी रिव्यू आ जाएगा। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।